भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रत्नाकर के प्रथम गोरखपुर आगमन पर पार्टी द्वारा अभिनंदन समारोह और एक बैठक का आयोजन बैनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर किया गया। इस अवसर पर पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विनोद पांडे, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश संगठन मंत्री चिरंजीवी लाल चौरसिया, पूर्व मेयर अंजू चौधरी, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया, जिसके पश्चात उपस्थित लोगों ने एक स्वर में वंदे मातरम गीत गाए। बैठक के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने नव निर्वाचित क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रत्नाकर को बूके और एकल पुष्प भेंट कर उनका अभिनंदन किया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने पार्टी के गतिविधियों को नव निर्वाचित क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रत्नाकर से अवगत कराया, जिसके पश्चात नव निर्वाचित क्षेत्रीय संगठन मंत्री ने उपस्थित लोगों से परिचय प्राप्त करते हुए उन्हें दिशा निर्देश दिए। सुभाषिनी सुमधुर वासिनी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। पहली बार गोरखपुर में आने के बाद धर्मेंद्र सिंह जी हैं उनका आदि के बगल स्वागत है। माननीय उनके बगल में गुरु महापौर श्रीमती अनिल चौधरी जी एक बार मिलना भी और दो चार बातें
आपने कोई ऐसी खास व्यक्तिगत जीवन के सारे काम करते करते पार्टी संगठन का काम पार्टी क्षेत्र में भी पूरा समय लगाकर ही करते हैं पार्टी को कई बार चुनाव के समय में पार्टी अध्यक्षों के समय में कोई विशेष अभियान आता है कितना समय लगाते हैं तो कोई प्रचारी कार्यकर्ता प्रचार रचना की एक व्यवस्था हो सकती है लेकिन शायद रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक समूह वो बुलाई जैसा ही है मेरे हो भी बाहर नहीं तो फिर इतना समय लगाने वाले लोग कहाँ हैं वो सारे सामाजिक संगठन काम करते हैं लेकिन राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता वो बुलाई जैसा ही हमारा व्यवहार रहता है जिम्मेदारियों का एक बंटवारा जरूर है थोड़ा सा भूमिका अलग है आपकी भूमिका अलग है वो जिम्मेदारियों के आधार पर होने का बस अंतर इतना है कि जिम्मेदारी है इसलिए सामने बैठे हैं और आप भी पीछे जाते हैं तो आप भी उसी भूमिका में आते हैं तो बस कुर्सियों के जरिए बस बदल बदल है बस सामने है एक दूसरे के व्यवस्थाएं थोड़ी सी भिन्न है बस इतना ही है इससे ज्यादा आप विशेष ऐसा कुछ नहीं है इस औपचारिकता पूर्ति के बाद हम सब अपने काम के साथ जुड़कर लगे हुए बच्चे ने पढ़ करवाया नहीं है लेकिन उसमें बच्चे में अच्छा हो गया महामंत्री जी के परीक्षा भी हो गई सबके नाम जानते हैं आप आश्वस्त कर दिए जरूरी हो रहा है कि जिम्मेदार व्यक्ति सबको जानता ही नहीं आता है पहली बार कार्यकर्ता शिकायत है मेरे नमस्कार किया उन्होंने जवाब नहीं दिया अरे मैं सामने गया और पहचान ही नहीं पाए तो ऐसी गलती मुझसे भी हो सकती है क्योंकि आप समूह में मिले सबके नाम इकट्ठी बता दिया महामंत्री ने अब इकट्ठे नाम बताया तो उसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक आध बार आपसे पूछना पड़ेगा तो मैंने इसलिए चर्चा से कही कि कभी दोबारा अगर पूछ लिया तो नाराज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समूह में भीड़ में अकेले हूँ आप तो समूह में तो आप मुझे तो सब कुछ जानेंगे समूह में सबका नाम एक कब से ना आ जाए कोई शायद आप अकेले खड़े होते बताते तो सोच भी पाते वो एक लाइन से इतना अच्छे अंकों से पास कर दी मतलब महाव्यक्ति को जोड़ी जाए सबके नाम ध्यान में करके तो शायद रूप से हम सब एक तरीके से काम में जुड़े हैं तो क्यों थोड़ी सी जानकारी है उसे तो मंडल अध्यक्ष की तो पूछ लिया था मैंने जो उपाध्यक्ष है वो कितने लोग हैं जो बस्ती का उपाध्यक्ष तो मैं हाथ खड़े जमा लेता हूँ उपाध्यक्ष वहाँ आगे उपाध्यक्ष ठीक है तीन छः सात आठ आठ पूरे दो हज़ार छः सात अच्छा ठीक है